हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपिन गोयल। सो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारी पहली जो क्लास हुई थी वो एसएससी सीपीओ के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं और उन क्वेश्चंस को भी मैंने बहुत जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ जो है आपको डिस्कस किया है। और इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस और मॉडर्न इंडिया के टॉप 100 क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं मैं अभी। और इस लेक्चर के अंदर जो है हमारा पार्ट वन है एंड उसके बाद जो सब्सिक्वेंट पार्ट्स आते जाएंगे। एंड अगर आपको भी कोई क्वेश्चन मुझे भेजना है जो मैंने आपको बता रखा है कि जैसे संडे को लाइव डाउट सेशन चलना है, जितने आपके क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहां पे भेजिए। और मैं क्योंकि ऐसे है कि पहले जो हमारा जीए शो चलता था ना उसके अंदर 5-10 क्वेश्चन डिस्कस होते थे, ठीक है, लेकिन इस क्लास के अंदर जो है हमारे डाउट सेशन के अंदर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर अप हों, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैप्पी होली जो आप सब स्टूडेंट्स को, एंड लास्ट में हम हैप्पी होली करके जाएंगे। सो थैंक यू एंड अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो लगाओ सर पहला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है हमारे देश में फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे। देखिए जी, फर्स्ट वाइसराय जो थे वो कौन थे, फर्स्ट वाइसराय इंडिया के कौन थे आपके, आपको सबको पता होगा फर्स्ट वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, जाने के पहला ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। अब जो लॉर्ड कैनिंग थे इनका जो कार्यकाल है 56 से लेके 1862 तक रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के ऊपर कैसे बन सकते हैं कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो कौन से गवर्नर जनरल थे, तो भी लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और उसके बाद जो है गवर्नर जनरल, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए और पहले क्या बन गए, फर्स्ट वाइसराय, ठीक है। अब ये जो है ये सारी चीज़ें किसने अनाउंस करी थी, क्वीन ने अनाउंस करी थी, रानी ने, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और जिसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोलते हैं, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, सुशासन का नियम, सुशासन का नियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, सो फर्स्ट ऑप्शन बन गया जी, ए इज द राइट आंसर, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जाने के असंतोष का जनक। ये उपद्रव लिखा गया है, उपद्रव लिखा गया है, ये असंतोष मतलब, असंतोष जो मतलब क्या कि इंडिया को चुप रहन के नहीं बैठने देने वाला, वो कौन है जी। यहाँ पे ऑप्शन है बी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इनको ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है। तो इन्होंने इनके ऊपर जो है बुक लिख दी कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। और तिलक के ऊपर होम रूल लीग इन्होंने चलाई थी, आपको पता होना चाहिए होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग इन्होंने पुणे से स्टार्ट करी थी, पूना। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के लिए एक स्टेटमेंट और भी बोली जाती है, इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, जाने के स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, और मैं इसको लेके रहूंगा, ये भी इनकी स्टेटमेंट है। और स्वराज्य वर्ड भी कह देते कि स्वराज्य वर्ड जो है प्रोमिनेंट किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने बोला था कि जो फेस्टिवल होते हैं शिवाजी और गणपति, ये भी एक क्या है, आज़ादी के लिए टूल हैं, इनको भी प्रमोट किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका आंसर, जाने के बी ऑप्शन। सो अगला क्वेश्चन लगाओ सर। किसने बोला था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जो आर्किटेक्ट हैं, और लखनऊ पैक्ट में कौन किसको वर्ड यूज किया जाता है। देखिए लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में लखनऊ पैक्ट, ठीक है। अब लखनऊ पैक्ट में 1916 में आपको पता है कि जो आईएनसी की चेयरमैनशिप कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, आपके अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो आर्किटेक्ट का रोल प्ले किसने किया था, मुस्लिम लीग के एक पर्सन ने जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ये क्या किया था इन्होंने, ये हिंदू और मुसलमानों को दोनों को जोड़ने का काम इनका किया था, ठीक है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान का मतलब हिंदू इज आईएनसी एंड नॉट हिंदू वर्ड यूज करेंगे हम, आईएनसी प्लस मुस्लिम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। आईएनसी और मुस्लिम लीग को जोड़ने का काम किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे ये अच्छे थे, हमारे देश के लिए अच्छे काम कर रहे थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। बाद में जाके इन्होंने देश के डिवाइड करने के लिए बातें होने लगी थी। मोहम्मद अली जिन्ना
और ये जो टाइटल दिया था किसने दिया था, सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू, जाने के इनको बोला गया था, इनको बोला गया था अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो वर्ड है ना पहला अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वो सरोजनी नायडू ने दिया था, और इनको लखनऊ पैक्ट के लिए भी चीफ आर्किटेक्ट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। सो इट मीन्स, इट मीन्स डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जी लगा दिए क्वेश्चन, नेक्स्ट है एच एस आर ए जो 1928 में बनाई गई थी क्या था। देखिए एच एस आर ए की फुल फॉर्म भी पेपर में आती है, ये 1928 में बना था, ये बनी थी फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, ओके। सो एच एस आर ए का जो 1928 में बना था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 1928 में, और ये बनी थी फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ठीक है। और इनको, इनकी जो फाउंडेशन है वो किसके द्वारा करी गई थी, वो करी गई थी चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा, भगत सिंह द्वारा, ये बहुत प्रोमिनेंट पर्सन थे, लेकिन मेन पर्सन वॉज चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने एच एस आर ए चलाया था, ठीक है। सो इट मीन्स जो है आपका आंसर बन गया थ्री, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बन गया जी राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन लगाइए सर। सो हु शॉट डेड जॉन सॉन्ड्रेस ऑन 17 दिसंबर 1927। देखिए जॉन सॉन्ड्रेस को मारने का प्लान नहीं था, प्लान था स्कॉट को मारने का। स्कॉट कौन था, सुप्रीडेंट, ठीक है। अब स्कॉट को मारने का प्लान क्यों था और सॉन्ड्रेस मर गया, स्कॉट को मारने का प्लान इसलिए था क्योंकि जब साइमन कमीशन देश में आया था, ठीक है, हमारे देश में आया था लाहौर में, तब जो है लाला लाजपत राय जी ने उनके ऊपर जो, उनके लिए जो है हमने बायकॉट किया था साइमन कमीशन का, और साइमन कमीशन ने जो है लाठी चार्ज करवा दिया था, ठीक है। लाठी चार्ज में किसने लाठी चार्ज करवाया था, ऑर्डर किसने दिया था, स्कॉट ने, और जो लाठी मारी थी वो मारी थी सॉन्ड्रेस ने, ठीक है। सो इसीलिए स्कॉट उस दिन छुट्टी पे था, लेकिन सॉन्ड्रेस मिल गया, तो सॉन्ड्रेस को मार दिया गया भगत सिंह द्वारा, ठीक है। सो भगत सिंह ने इसको मार दिया था, इट मींस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। भगत सिंह राजगुरु, इन्होंने मारा था सॉन्ड्रेस को। अगला क्वेश्चन सर, सो क्वेश्चन ये है पूना पैक्ट कब साइन हुआ था। देखिए पूना पैक्ट के लिए तो सबको पता होगा, पूना पैक्ट जो है आपका, ये क्वेश्चन है आपका सिक्स नंबर। सो पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 के बीच में साइन हुआ था। ये दो बोलते हैं जी महात्मा गांधी और अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, इन दोनों के बीच में साइन हुआ था ये पूना पैक्ट, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी तो उस टाइम पे जेल में थे, तो साइनिंग किसके किसके बीच में हुई थी, मदन मोहन मालवीय, जो साइनिंग अथॉरिटी थी मदन मोहन मालवीय, और ये दोनों थे, इन दोनों ने साइन किए थे, ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन। लेकिन बोलते क्या है कि मदन, क्योंकि इन्होंने हाँ बोली थी, हाँ बोली थी, इनके बदले में इन्होंने साइन किए थे, ठीक है। साइनिंग अथॉरिटी दोनों ये हैं, लेकिन एग्रीमेंट दोनों के बीच में था, और इसमें क्या था, 10 ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए इलेक्टोरेट देना था दलितों को, दलित को, ठीक है, दलितों को जो है 10 साल के लिए जो है निर्वाचन देना था, रिजर्वेशन देनी थी, ठीक है। और ये पूना पैक्ट किसके अगेंस्ट साइन किया गया था, मैकडोनल्ड अवार्ड के ऑपोजिट, मैकडोनल्ड अवार्ड। ये मैकडोनल्ड अवार्ड क्या है, मैकडोनल्ड अवार्ड जो था, मैकडोनल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, इन्होंने जो है कम्युनिज्म, कम्युनल अवार्ड जो है अनाउंस किया था, कम्युनल अवार्ड। इसका मतलब क्या है कि जातिवाद के ऊपर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, सबको अलग अलग निर्वाचन मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है पूना पैक्ट जो है साइन हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, क्योंकि महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक कर दी थी, और महात्मा गांधी की इस टाइम पे हालत बहुत खराब थी, मतलब कुछ भी हो सकता था, तो इसीलिए जो है INC ने ये इनिशिएटिव लिया था इनके साथ मिलके, और महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के साथ में ये एग्रीमेंट साइन हो गया। सो इट मीन्स महात्मा गांधी एंड अंबेडकर, सिक्स का डी ऑप्शन बन गया जी, ठीक है, सिक्स का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपके 1928 में रिफॉर्म कमीशन आया था, उस कमीशन का नाम क्या था। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो है साइमन कमीशन आया था, ठीक है, साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन 1928 में हमारे भारत में आया है। साइमन कमीशन आया क्यों था, क्यों आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म उसके लिए रिपोर्ट बनाने आया था, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या थे, हमने 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया था, जिसे आप मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। और इसमें यहाँ पे जो है इन्होंने डायार्की वर्ड यूज़ किया था, डायार्की, ठीक है, 1919 के इस कानून में डायार्की वर्ड यूज़ किया था, द्विशासन, द्विशासन वर्ड यूज़ किया था। इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी गई थी कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव में, जाने के हमारे लोग जो है वो कार्यपालिका में घुसने लग गए थे, लोकतंत्र जो है कार्यपालिका में जाने लग गया था, लोकतंत्र हमारे लोग इसमें जाने लग गए थे कार्यपालिका में, ठीक है। तो ये बात हुई थी, तो उसके लिए रिपोर्ट कौन बनाने आया था, साइमन कमीशन। फिर हमने इसका बहिष्कार किया, इसका बहिष्कार इसीलिए किया था क्योंकि इसके अंदर 7 लोग थे और 7ों के 7ों क्या थे, इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए जो है साइमन कमीशन जो है आया था हमारे देश में। और साइमन कमीशन का जो पहला नाम था, क्योंकि साइमन कमीशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि चेयरमैन साइमन था, ठीक है। अदरवाइज इस कमीशन का नाम पहले क्या था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इस कमीशन का क्या नाम था पहले, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। सो भारतीय सावधिक कमीशन, ठीक है। सो इसके अंदर 7 लोग थे, आपको नाम याद भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं इसमें यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि ये जो साइमन थे ये लिबरल पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से, ठीक है, लिबरल पार्टी से। साइमन कहाँ से आया था, लिबरल पार्टी से, क्योंकि लंदन के अंदर तो पार्टीज थी ना, यहाँ पे एक ऐसे पर्सन था जो लेबर पार्टी से था। उस लेबर पार्टी के पर्सन का मुझे नाम बताइए, ठीक है, उसका जो देश के इंडिपेंडेंस में कहीं पे नाम आता है, हमारा देश की आज़ादी में नाम आता है। इस कमीशन में एक लिबरल पार्टी से कौन था, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन लिबरल पार्टी से था, लेकिन यहाँ पे किसी एक पर्सन का जो नाम है लिबरल पार्टी से एसोसिएट करता है, जो देश की आज़ादी में जिन्होंने, जिनके द्वारा जो है कुछ नाम है वहाँ पे देखेंगे उसमें क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताएंगे। अरे भाई सबके लिए बेनिफिशियल है, इतनी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, बोल रहे हो कि किसके लिए बेनिफिशियल है, आपको नहीं लग रहा बेनिफिशियल है सीजीएल के लिए और जितने भी आपके स्टेट एग्जाम आएंगे उसके लिए भी, जितने क्वेश्चन ये जो पूछे जा रहे हैं ना कि मतलब अपना बेकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, थोड़ा सा आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए इन चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी उसके बाद जो है आपका ओके 1917 में, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया सर, 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा जो है सत्याग्रह लॉन्च किया गया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे कहाँ पे ये लॉन्च किया गया था, देखिए पहले तो इसका जो आंसर है 1917 में जो है गुजरात में, गुजरात इज द राइट आंसर, खेड़ा, ये जो खेड़ा के अंदर जो है ना टैक्स के लिए बात आई थी, क्योंकि टैक्स नहीं देना था इसीलिए इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा गांधी जी के पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था, गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण था, इंडिया में है ये, बिहार में, नील की खेती के अगेंस्ट, इंडिगो कल्टीवेशन कह सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद तीन कथिया, जिसे 3/20 था ना, तीन कथिया भी कहते हैं इसको, तीन कथिया, ठीक है। और उसके बाद जो है सेकंड क्या था, सेकंड ये वाला था खेड़ा सत्याग्रह, और थर्ड थी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये इकट्ठी है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी, भूख, पहली भूख हड़ताल थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था वो ट्रांसवाल में था, ठीक है। सो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, कि ट्रांसवाल में किसके लिए था, क्यों था, कौन से ईयर में हुआ था, ट्रांसवाल कहाँ पे पड़ता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो ये आप बताएंगे मुझे। तो अगला क्वेश्चन कहो सर, हु
हु इज द स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, किसने ये वर्ड यूज किया था, ये अभी हमने डिस्कस किया था, ये ऑप्शन बन गया जी बी। और स्वराज वर्ड के लिए मैं कुछ एक बात करूंगा, जो स्वराज वर्ड है, स्वराज वर्ड, ये वर्ड किसका है, ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद और दयानंद सरस्वती, ये वर्ड इनका है, ये इन्होंने क्वाइंड किया है, क्वाइंड बाय दयानंद सरस्वती, आईएनसी में 1906 में पहली बार यूज किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, और दादाभाई नौरोजी जो हैं उस टाइम पे आपके प्रेसिडेंट थे वहाँ पे कलकत्ता में, और उसके बाद पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, पूर्ण स्वराज ये आपको पता है लाहौर सेशन, लाहौर सेशन ठीक है 1929 को ये था, तो इसमें जो जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके चेयरमैन थे, तो ये स्वराज के लिए वर्ड हैं। स्वराज्य वर्ड ध्यान रखना, स्वराज्य वर्ड जब आएगा तो स्वराज्य वर्ड आपका बाल गंगाधर तिलक के लिए है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर बन गया जी सी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन 9 का बन गया सी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो पहले क्या था, गवर्नर की उपाधियां मिलने लगी थी, ठीक है। सो गवर्नर की उपाधि जो 1758 से 1774 तक चली थी, गवर्नर की उपाधि, ठीक है। उसके बाद चल पड़ा गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ये चली थी 1774 से 1800 जो भी है 1774 से हमने लिखने चलनी स्टार्ट हुई थी। गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे आपके पहले, वॉरन हास्टिंग, वॉरन हास्टिंग, ठीक है। वॉरन हास्टिंग क्या थे, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल और लास्ट, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ध्यान रखना लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरन हास्टिंग, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरन हास्टिंग, और उसके बाद जो है, इसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल के बाद क्या बन गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहले गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, विलियम बेंटिक, मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया है, मैंने लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट, अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है ना, दसवें क्वेश्चन का जो आंसर है ये सी बन जाता है, ठीक है, वॉरन हास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास, हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटू, ये स्टेटमेंट किसकी थी, ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये है बी ऑप्शन, दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती को और क्या कहते हैं जी हम, मूल शंकर वर्ड भी यूज किया जाता है, और ये किस समाज से बिलोंग करते हैं, आर्य समाज, सबको पता होगा ये तो, 1875 में इन्होंने आर्य समाज खोला था, और दयानंद सरस्वती ने बैक टू वेदास तो बोला था, और बोला था इंडिया फॉर इंडियंस वर्ड यूज किया है, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए ये स्लोगन दिया था, और इनकी बुक्स क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, सत्यरथ प्रकाश, सत्यरथ प्रकाश वेदा भाष्य, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हैं, वेदा भाष्य भूमिका, ये तीन बुक्स इनकी हैं जी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, वेदा भाषा भूमिका, ठीक है, वेदा भाषा भूमिका। सो दैट मींस इसका जो आंसर बन गया जी 11 का, दो आंसर बन गया दयानंद सरस्वती। सो एक सेकंड पानी पी लीजिए, पानी पी लूं मैं थोड़ा सा, फिर करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए अभी एक सेकंड के लिए, फिर मैं करता हूं। तो अगले क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताइए 12 का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कौन सी मूवमेंट कब हुई थी, कौन सी मूवमेंट कब हुई थी। देखिए जी, पहले जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया जो चला था 8 अगस्त 1942 ये एग्जैक्ट डेट लिख लीजिए, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1945 में हुई थी, और उसके बाद है पूना पैक्ट, पूना पैक्ट अभी डिस्कस किया था 24 सितंबर 1932, कैबिनेट मिशन
1946, तो ये आंसर लिख लीजिए, तो इसका मतलब सी थर्ड, उसके बाद आपका वन, उसके बाद आपका टू, उसके बाद आपका फोर, 3124, इट मीन्स आपका बन गया सी ऑप्शन, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन ये है, ये तो अभी आपने, अभी हमने डिस्कस किया है, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी जी ने जो ये चंपारण में अभी डिस्कस किया था इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती के लिए सत्याग्रह लॉन्च किया था, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया जी राइट आंसर, ठीक है, सत्याग्रह। और इंडिगो कल्टीवेशन नील की खेती के लिए तीन कठिया भी कहते हैं, और गांधी जी को बुलाने कौन आया था ये आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे, गांधी जी को कौन बुलाने आया था कि हाँ नील की खेती के बचाव के लिए गांधी जी को बुलाने वाला पर्सन कौन था सत्याग्रह करने के लिए, इसका कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला है, बिश्नोई मूवमेंट जो है वो किसके अगेंस्ट स्टार्ट करी गई थी, जो बिश्नोई मूवमेंट है ना, ये बिश्नोई मूवमेंट स्टार्ट कहाँ पे हुई है जी, राजस्थान में, आपको पता होना चाहिए राजस्थान, और ये जो फाउंड की गई थी जंबो जी, ठीक है, जंबो जी द्वारा स्टार्ट करी गई थी ये, और इसको बिश्नोई, जैसे 20 मतलब बिश, नो मतलब नोई, बिश्नोई मूवमेंट इसलिए कहते हैं, और ये जो है राजस्थान मारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है ये चली गई थी, और ये किसके लिए थी, कटिंग ऑफ ट्रीज के लिए, जानेंगे जो है ट्रीज को काटा जा रहा था उसके लिए वर्ड यूज़ किया था, और यही जो मूवमेंट है बाद में जाके ना चिपको मूवमेंट के लिए इंस्पिरेशन बनी थी, चिपको मूवमेंट के लिए, और चिपको मूवमेंट कहाँ पर हुई थी, उत्तराखंड में, ठीक है, और चिपको मूवमेंट जो है ये लोग जो है पेड़ों के साथ चिपक के बैठ जाते थे, तो इसीलिए पेड़ों को ना काटा जाए तो ये इंस्पिरेशन बना था, और ये जो है ये चिपको मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला कौन था, सुंदरलाल बहुगाना, ठीक है, और ये चिपको मूवमेंट ये है उत्तराखंड में बात बनी थी ये, तो ये पार्ट हो जाता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, देखिए जी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ये 1916 में खुली थी बाय द मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और ये जो है वाराणसी में, बनारस तभी वर्ड यूज़ किया जाता है, वाराणसी यूपी में, ठीक है, खोली गई थी। अब आपको मुझे एक कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताना है, क्वेश्चन आपके लिए है, मदन मोहन मालवीय को महामाना कहते हैं, महामाना, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, इनको महामाना किसने बोला था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे फटाफट, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन सर, आज़ाद हिंद फौज कहाँ पे बनाई गई थी, आज़ाद हिंद फौज, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 2018 में 22 अक्टूबर 2018 को हमने इसके जो है 75 साल जो हैं हमने सेलिब्रेट किए थे, तो इसका मतलब बनी कब होगी, 21 अक्टूबर 1943 को, 75 माइनस कर दीजिए, इस दिन को आपकी जो है आज़ाद हिंद फौज बनी थी सिंगापुर में, ठीक है, ये दो लोगों ने बनाई थी, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, और बाद में ज्वाइन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने जब ज्वाइन किया था 1943 में ज्वाइन किया था, और इन्होंने आके सिंगापुर से ही ज्वाइन किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, 1943, ठीक है, तो ये हो गया जी आपका आंसर, 16 का जो आंसर बन गया वो है एक, ठीक है, सो सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह के लिए है, बारदोली सत्याग्रह के लिए मैंने अभी आपको बताया था, बारदोली सत्याग्रह की कहाँ पे हुआ था, 1928 में गुजरात में, सो यहाँ पे जो टाइटल मिला था, यहाँ पे इनको सरदार टाइटल मिला था, वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार टाइटल जो है गांव की लड़कियों ने, विमेन ने दिया था, औरतों ने दिया था, अगर विमेन ऑप्शन में नहीं आया था तो महात्मा गांधी ऑप्शन में आएगा, तो टिक मारना है आपको, ठीक है, और टैक्स रिफॉर्म के लिए वर्ड यूज़ हुआ था। अगला क्वेश्चन सर, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो किसके लिए जो हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके लिए फेमस है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता है जी 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल चलाई थी, बंगाल का स्थाई बंदोबस्त, और जिसको आप जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, जमींदारी सिस्टम, और ये जो है लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस ने चलाया था, ठीक है,
किसकी रिकमेंडेशन से? जॉन शोर ने बोला था और इन्होंने चलाया था, ठीक है। तो ये स्थाई बंदोबस्त इनके साथ एसोसिएट करता है, दैट मींस आपका 18 का क्या बन गया, एक, ठीक है। तो जहां पे जमींदार अपॉइंट होंगे, जमींदार टैक्स इकट्ठा करके जो है अंग्रेजों को पकड़ाएंगे। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है जी आपका, ये गदर पार्टी जो है, ये गदर पार्टी कब बनाई गई थी, किसने बनाई गई थी, ठीक है। सो गदर पार्टी, हाँ, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। देखिए पहली बात तो जो गदर पार्टी है, 19 क्वेश्चन है, ओके, गदर पार्टी बनी कहाँ पे थी, सैन फ्रांसिस्को, और ये बनी थी यूएसए में, और इसके फाउंडर कौन थे, लाला हरदयाल। और अगर ये ऑप्शन में नहीं आया तो इनके जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे आपके, सोहन सिंह बाखना, ठीक है। और इनके साथ और भी थे जी लोग बड़े, करतार सिंह सराबा, ठीक है, बहुत सारे लोग थे। लेकिन अब ऑप्शन में क्या है जी, ऑप्शन में ना तो लाला हरदयाल का नाम है, ना इनका नाम है, तो आंसर क्या बन जाएगा, सोहन सिंह बाखना। सो 19 का आंसर बन जाएगा जी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब करी गई थी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी जी, 1600 में जब देश के अंदर इंडिया में आए थे, ठीक है। तो 16 जब इंडिया में आए थे तो किसका रूल चल रहा था, अकबर का रूल चल रहा था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किस किंग में आए हैं, अकबर के पास आए हैं, ठीक है। और फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव जो लेके आए थे वो जहांगीर के पास लेके आए थे, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। सो अगला क्वेश्चन देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है, तो अब आप लगाना मैच ऑफ द फॉलोइंग में 21, ठीक है। सो पहला वर्ड है जी आर्य समाज जो है, ये स्वामी दयानंद, अभी डिस्कस किया था हमने, स्वामी दयानंद 1875, और उसके बाद है जी ब्रह्मो समाज बना था 1828, और राजा राम मोहन रॉय, और उसके बाद जो है थर्ड है वेदा समाज को आप ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ भी कहते हैं, ठीक है। सो ये जो है इन खुला था श्री धरू नायडू, ठीक है। उसके बाद है जी आपका प्रार्थना समाज, ये 1867 में खुला था, और प्रार्थना समाज को खोलने वाले आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। सो ये पर्सन थे आत्माराम। अब ऑप्शन में अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं, और ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं ना, ये सोसाइटी को चेंज करने के लिए और रिलीजन को चेंज करने के लिए चीज़ें थी, ठीक है। सोशियो रिलीजियस जाने के सब लोगों जो हैं सोसाइटी और धर्म को जो है सोसाइटी समाज और आपके रिलीजन धर्म को चेंज करने के लिए सारी चीज़ें थी, जितने भी लोगों में जो है सारी प्रॉब्लम चल रही थी उन चीज़ों को कराने के लिए सारे के सारे जितने भी हैं ये समाज खुले थे। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा जी आप, सो बी ऑप्शन बन जाएगा, 21 का बी ऑप्शन बन जाएगा, बाकी आप टिक कर सकते हैं देख के। सो अगला क्वेश्चन लगाओ सर, हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये भी अभी अब डिस्कस किया जी, इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो 22 का क्या बन गया, एक आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो किसके लीडर थे, ये भी अभी डिस्कस किया हमने, तो 23 का आंसर क्या बन जाएगा, सी बारदोली सत्याग्रह। लेकिन यहाँ पे कुछ एक मूवमेंट्स के नाम आए हुए हैं, तो मैं उन मूवमेंट्स को आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा गया है बुधान मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अलग से, बुधान मूवमेंट, ठीक है। सो बुधान जो मूवमेंट है ये आचार्य विनोबा भावे ने जो है स्टार्ट करी थी 1951 में, और जगह थी पुंचमपल्ली, आजकल कहाँ पे पड़ती है, तेलंगाना में, ठीक है। सो देखिए भू मतलब धरती, दान मतलब दान देना, ठीक है, जाने की जो धरती है जमीन है वो दान देंगे, ठीक है। ये बुधान मूवमेंट क्या थी, जितने भी जिनके पास जमीनें थी ना, लैंड ऑनर्स थे, वो क्या करेंगे, वो छोटे लोगों को जो है जमीन बांटेंगे, ठीक है। सो बुधान मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था, और आप ऐसे भी कह सकते हैं लैंड रिफॉर्म था,
लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, जाने के आपके धरती जो जमीन के लिए जो बदलाव थे उसके लिए ये चीज़ें चली थी, क्लियर। सो उसके बाद जो है रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह तो कुछ है ही नहीं है जी, रॉलेट एक्ट है, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चली थी, हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। चलो जी अगला क्वेश्चन लगाओ सर। उसके बाद लिखा है जी चिपको मूवमेंट 1973 में उत्तराखंड, ये डिस्कस किया जी आज ही हमने। 24 का आंसर क्या बन जाएगा आपका, 3 सुंदरलाल बहुगाना, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो है सामजी, सामजी जो है ये मराठा किंगडम जो शिवाजी ने स्टार्ट करी थी उनके बेटे हैं, बड़े बेटे हैं और इनके बाद यही बैठे थे, ठीक है। और जो आमते लिखा हुआ है बाबा आमते, आमते जो है सोशल वर्कर थे। सुंदरलाल बहुगाना अभी डिस्कस कर लिया हमने, चिपको मूवमेंट। मेधा पाटकर, मेधा मेधा पाटकर का नाम आता है जी पेपर में, मेधा पाटकर, ठीक है, पाटेकर। सो ये जो है ना ये इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जो है पार्टिसिपेट किया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर एक डैम है सरदार सरोवर डैम, ठीक है। सरदार सरोवर डैम के लिए इन्होंने बात करी थी कि हाँ जो इनका जो पानी है वो 3 स्टेटों में जो है डिस्ट्रीब्यूट जो होता है और इनके लिए खतरनाक है, मद्रास सॉरी MP महाराष्ट्र और गुजरात के लिए चीज़ें करी थी इन्होंने जो है डैम के बनाने के लिए जो बातें करी थी, डैम प्रोजेक्ट के लिए जो है बात करी गई थी। सो लास्ट क्वेश्चन लगाइए सर आज के लिए। किसने जो है सती सिस्टम को ख़त्म किया था, ये भी बहुत बार डिस्कस कर लिया जी, थर्ड ऑप्शन। सती सिस्टम 1829 में स्टार्ट ख़त्म किया गया था और इनके साथ जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और साथ में थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। सो इन दोनों की मदद से जो है ये सारी चीज़ें ख़त्म करी गई थी। सो आज के लेक्चर में इतना ही है। सो जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स आएंगे आपको पता होगा, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी आप मुझे डाउट सेंड कर सकते हैं, मैं संडे वाली क्लासेस में वो करने वाला हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जो आपका मन हो आप बात कर सकते हैं एंड आप मुझे इन चीज़ों पे ऊपर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो कोई क्वेश्चन हो अगर आपका, मैं एक मिनट लूँगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए अगर कोई क्वेश्चन है। जितनी भी क्लासेस हैं आपको जो स्केड्यूल लगा हुआ है जी वहाँ पर आपको पता लग जाएगा, वहाँ पर आप चेक कीजिए। बिल्कुल लाइक शेयर कीजिए जी ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। ओके, हैप्पी हॉलीडे टू यू एंड लव यू सो मच। संडे क्लासेस, बिल्कुल क्लासेस होंगी, आप स्केड्यूल देखो, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अपना रिमाइंडर सेट करो, वहाँ पे आपको सब पता लग जाएगा। वहाँ पे हर रोज़ चेक कीजिए कि हाँ कौन सी क्लास कब होने वाली है। थैंक यू रॉबिन, थैंक यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलते हैं, बाकी जो है बातें हम बाद में करते जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।